आई एम हियर तो न्यू चैप्टर 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 नेम इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास का है NCRT बुक से तो फर्स्ट पार्ट है इसका बाय प्रोफेसर आर पटेल व्हाट्सएप हाँ ओके तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूँ क्या बता दूँ भाई बता देता हूँ इस लेसन के होंगे चार पार्ट्स में पढ़ाऊँगा मैं इस लेसन को इस चैप्टर को चार पार्ट्स में पढ़ाऊंगा फोर्थ या फिफ्थ पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स आएंगे दस क्वेश्चन आंसर्स आएंगे जिसको आपको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में देना है ओके okay, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ ओके okay, तो चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स बैलेंस फोर्स द नेट फोर्स इन विच टू और मोर फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट

प्लस द फोर्स यू अप्लाइड इन द opposite डायरेक्शन आर एडेड together जीरो टुगेदर 25 newton न्यूटन माइनस newton equals न्यूटन इक्वल जीरो बिकॉज द फोर्स आर इक्वल एंड बैलेंस्ड जस्ट लाइक अ बैलेंस स्केल दिस इज़ एन balanced ऑफ बैलेंस्ड फोर्स आपको समझ आया होगा अगर एक साथ एक ही जगह पर अपोज़िट डायरेक्शन से वार फोर्स अप्लाइड किया जाता है बाई चांस फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव न्यूटन से फोर अपलाई फोर्स अप्लाइड किया है तो पीछे से ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव न्यूटन आ गया तो इक्वल जीरो बिकॉज द फोर्स एंड फोर्स आर इक्वल एंड बैलेंस जस्ट लाइक अ बैलेंस स्केल इन एन एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्स ओके अनबैलेंसड फोर्स वॉट डज इट मीन टू हैव समिंग अनबैलेंस्ड अनबैलेंसड का मतलब क्या होता है कोई बताएगा मुझे ए बता देना प्लीज अनबैलेंस का मतलब अन इक्वल नॉट द सेम डिफरेंट हाउ कुड वी हैव अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस मतलब इक्वल में आता है अनबैलेंस मतलब डिस इक्वल में आता है कम ज़्यादा ओके फोर्स ऑन द बुक आर बैलेंस्ड हाँ फिजिक्स ग्रेविटी पुल्स डाउन द बुक ओके बुक को ये जो फिजिक्स की बुक है तो इसको ग्रेविटी नीचे खींचती है टेबल पुश अपवर्ड ऑन द बुक बुक टेबल पुशेस अपवर्ड ऑन द बुक टेबल ऊपर खींचता है बुक को ओके okay? तो इसके ऊपर से हमें क्या समझ में आता है ग्रेविटी समझ में आती है द फोर्स ऑन द बुक आर बैलेंस्ड यही एग्जाम्पल है उसका अनबैलेंस्ड फोर्स अ फोर्स इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन एंड एटर अदर स्मॉल और लार्जर फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन और नो फोर्स इज अप्लाइड एट द एट ऑल इन द अपोजिट डायरेक्शन आपको समझ आया होगा आई थिंक सो आई विल एक्सप्लेन इट इन हिंदी अनबैलेंस फोर्स ए है एग्जाम्पल ए फोर्सिस अप्लाइड इन वन डायरेक्शन अदर अदर ऑन अदर स्मॉलर और लार्जर फोर्सिस अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन आर नो फोर्स इज अप्लाइड एट द अपोजिट डायरेक्शन मतलब अगर बुक है बुक के ऊपर से कोई फोर्स अप्लाइड किया ट्वेंटी फाइव न्यूटन का और नीचे से कोई फोर्सिस नहीं है तो इसका क्या होता है अनबैलेंसड होता है अगर और एक एग्ज़ाम्पल लूँगा अगर बुक होगा ट्वेंटी फ़ोर न्यूटन का उसके ऊपर जो प्रेशर गिर रहा है ट्वेंटी फोर न्यूटन का नीचे से गिरता होगा अगर फाइव न्यूटन का तो इट इज़ अनबैलेंसड फोर्स इफ़ इट इज़ ट्वेंटी फोर न्यूटन नीचे से भी अगर फोर्स uh, अप्लाइड हो रहा है और ऊपर से ट्वेंटी फोर हो रहा है तो इट इज़ बैलेंस्ड ओके आई थिंक सो यू आर अंडरस्टैंडिंग क्लियरली अगर कोई डाउट हो अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हो या वीडियो में थोड़ा ब्लर आता होगा तो कमेंट कीजिए ओके तो हाँ नेक्स्ट पॉइंट की क्या अनबैलेंसड फोर्स If I have chair and I push on one side of it with a force of fifteen Newton and you push on the other side with a force of 25 Newton, will the chair move? Chair move kar sakti kya? No! Which way will it move? The direction in which the most force is applied. What is the net force? 20, 50 Newton and 25 Newton unbalanced force 15 newton minus 25 newton equals 25 these forces are unequal so the forces are considered unbalanced force 50 newton 25 newton equal 25 newton okay <coughs> unbalanced force if i push the chair in one direction with 25 newton force and you push the chair in same direction with 25 newton force will chair move why because applied नेट फोर्स अनबैलेंस्ड आपको हिंदी में समझा दूंगा अगर मैंने चेयर को इस तरफ से मेरे फ्रॉम माई साइड मेरी तरफ़ से फिफ्टी न्यूटन में पुश किया और उधर से अगर 25 न्यूटन में कोई पुश कर रहा है तो चेयर किस चेयर किस साइड जाएगी मेरी अपोजिट साइड जाएगी ना मैं जिस तरफ पुश कर रहा हूँ उस तरफ हाँ तो ये होगा अनबेलेंसड फोर्स ओके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए आपको आई थिंक आपको समझ आया होगा अनबेलेंसड फोर्स ट्वेंटी फाइव न्यूटन माइनस न्यू ट्वेंटी फाइव न्यूटन ट्वेंटी फाइव न्यूटन इक्वल फिफ्टी न्यूटन द रिजल्ट वुड बी द चेयर मूविंग इन डायरेक्शन इट वॉज पुश्ड विद अ कंबाइंड फोर्स ऑफ फिफ्टी न्यूटन ओके हाँ और आपको इसकी भी कुछ ज्यादा एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ मैं बैलेंस्ड की हाँ बैलेंस मतलब वी पुश द चेयर फ्रॉम मेरे तरफ से मैंने चेयर पुश की ट्वेंटी फाइव न्यूटन की न्यूटन में और उस तरफ से भी किसी ने ट्वेंटी फाइव में पुश की ट्वेंटी फाइव न्यूटन में फोर्स uh, अपलाइड करके पुश की तो इट विल बी एट द रेस्ट पोजिशन और सेम प्लेस में रह सकती है आपको समझ आया होगा आई थिंक सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सी वॉच माई वीडियोज़ हाँ तो ये लॉस ऑफ मोशन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं तो आज मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको होमवर्क में देता हूँ ओके एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइव के जी इज़ एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस सेवेंटी न्यूटन इच इन अपोजिट डायरेक्शन वॉट इज द एसिलेशन समझ आया होगा आपको वाई डज एन ऑब्जेक्ट एसिलेरेट ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑब्जेक्ट एसिलेट क्यों होता है फ्री फॉल के टाइम में ओके okay, बाय ए भाई नहीं बाय ओके okay, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इस वीडियो में तो हमने बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्थ सीखा अगले वीडियो में जो हम सीखेंगे लॉज ऑफ मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ सेकेंड लॉ और सारे लॉस पड़ेंगे ओके अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए टू आरबी साइंस क्लास नाइन ओके मिलते हैं अगली वीडियो में अभी के लिए बाय ओके ठीक है ए बाय बाय